कहाँ है बर्फ के पास? इधर है, इधर है। Guys, good morning, कैसे हैं आप सब? I hope आप लोग सब फिट एंड फाइन होंगे। सो गाइज, आज सुबह सुबह आप लोग देख रहे होंगे रेडी हो रखे करके। तो आज है वट सावित्री, तो सभी को वट सावित्री की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो अभी हम जा रहे हैं मंदिर, इन दोनों को मैंने उठा दिया। वैसे तो ये उठते नहीं 7 बजे से पहले, पर मैंने कहा मुझे मंदिर जाना है, फिर मैंने कहा चलो फिर मुझे लेट हो जाएगा। 7 बजे से पहले उठते हैं तो जाती हो ऑफिस? स्कूल ना तन्नू? ऑफिस तो तुम 8 बजे जाते हो। तन्नू का 7 बजे स्कूल रहता है, 7:30 का रहता है तन्नू का, है ना तन्नू? तो अभी इन दोनों तो इनको उठाया, 6 बज चुके हैं, जल्दी करो। चलो बोलना कभी छोड़ दिलोगे मुझे स्कूल? ठीक है मैं छोड़ दूंगी। ठीक है तो अभी चलते हैं गाइस मंदिर की तरफ को, क्योंकि ना बरगद के पेड़ की पूजा होती है, तो बरगद के पेड़ मंदिर में ही है, तो वहीं जाके मैं हर साल वहीं जाके पूजा करती हूँ। तभी निकलते हैं। ठीक है तो गाइस, अभी पूजा वगैरह कर लिया, कथा नहीं पढ़ी क्योंकि कथा मैं घर पे ही पढ़ती हूँ, यहाँ लेट हो जाता है ना, तो ये लोग जब चले जाते हैं तो आराम से तब कथा पढ़ूंगी। और क्या कहते हैं, अभी चलते हैं क्योंकि 6:30 बज चुका है, तन्वी को तैयार करना है स्कूल के लिए। सो गाइस, 8:30 बजने वाले हैं एंड मेरा काम ऑलमोस्ट सुबह ही निपट गया था, नहा धोना हो ही चुका है। कपड़े आज मैं नहीं धो रही, क्यों? मैं कपड़े धोऊंगी तो मैं थक जाऊंगी, और मशीन में धोने के लिए पानी नहीं है, गर्मी शुरू होती नहीं है, यहाँ पानी बंद हो जाता है, तो मैंने सोचा कल धोऊंगी करके, तो आज कपड़े पे धो नहीं रही हूँ, पानी नहीं पा लिया है। बाकी मैंने कहा बस कथा पढ़ी रहेगी, तो मैंने कहा ये लोग चले जाएंगे तभी पढ़ूंगे करके, तो अभी फिलहाल चलती हूँ मैं कथा पढ़ लेती हूँ। ठीक है तो तुम्हारा लास्ट दिन था, कैसा हुआ? फिर तो समर वेकेशन पर जाएगा ना, खुश हो, हैप्पी है? उन छुट्टियों में भी पढ़ रही है। पढ़ना है, ये तो नहीं पढ़ेगी तब तुम पढ़ोगी, भाग गई देखना। सो गाइस, शाम के 5:30 बज चुके हैं एंड मैं हूँ किचन में इस टाइम। आप लोग कह रहे होंगे जिम क्यों नहीं गई? जिम इसलिए नहीं गई क्योंकि जिम में फिर पसीना आता है, फिर प्यास लगती है, तो पानी तो पीना नहीं है, तो मैंने कहा वहाँ जाऊँगी तो ज़्यादा थकान हो जाएगी, फिर वहाँ से आने के बाद खाना बनाऊँगी तो फिर लेट हो जाएगा, इस वजह से नहीं गई। तो अभी मैं किचन में चल रही है मेरी शाम के खाने की तैयारी, मैंने कहा खाना वाना फिर बहुत बना लेती हूँ और उसके बाद पूजा वूजा करूँगी, फिर उसके बाद जल्दी से बना बना रहेगा तो एकदम खाने में वो रहेगा। तो अभी आज मैंने बना रखा है आज के व्रत में ना पुए, मतलब गुलगुले बोलते हैं जिनको, वो बहुत ज़रूरी होता है। तो इसमें रहे गुलगुले जो कि मैंने बना के रख दिए हैं पहले से, ठीक है, और ये है आटा जो कि मैंने लगा के रख दिया है। इस वाले पकौड़े में बन रही है खीर, यहाँ मैं बना रही थी रायता, और ये सब्जी का मसाला, पनीर का मसाला है, तो बिना लहसुन प्याज के बनता है, तो खाली टमाटर की ग्रेवी है जो कि मैंने क्रीम में पकाई है, तो बना के रख दी। पनीर मैंने अमित से मंगा रखा है तो वो लेकर आएंगे, फिर खीर भी लगभग मेरी बनी जाएगी, उसके बाद पूजा करूँगी। ठीक है तो ताकत तो नहीं इतना सारा बनाने की, पर मैंने कहा बहुत दिन हो गए थे, कोई तीज ऐसा वाला हम लोग बना भी नहीं रहे थे इस टाइप का खाना, क्योंकि मैं नॉर्मली वैसे मैं बना लेती हूँ, बट जब से मैं डाइट में हूँ तब से मैं कुछ नहीं बना रही थी। तो गए शाम का टाइम हो चुका है और सुबह ये चले गए थे बिना टीका वीका लगाए प्रसाद लिए, तो मैंने कहा अभी कर देती हूँ। कैसा मुंह बना रहे ऐसा हनुमान जी जैसा? पंखा पकड़ो, ये देखो देखो तुम्हारी लड़की को भूसा हो रही है मेरे, क्या हो गया, धुआं हो रहा है, फूल दो फूल दो फूल दो बल देख रहा जी यार हट लो चले ला पंखा तेरा। तुम्हें मेरी भी करनी चाहिए क्योंकि मैं कितने तुम्हारे लिए व्रत रखा है मैंने। वेरी गुड, ऐसे पंखा चला मैंने भी तो तुम्हारे व्रत रखा है, लो आशीर्वाद दे दो, व्रत तो तुम्हारे लिए ठहरा, आशीर्वाद अपने लिए मांगने वाले थे। हरी मैंने कहा शाम को पूजा वूजा जल्दी करके पानी पी लूंगी, उसके बाद खाना लेट ही खाऊंगी, जब ये लोग खाएंगे तो अब पानी यानी पी लेती, बजने वाले 7 बस, अब से एडजस्ट कर ले उसे, अब घूम चले मुंडे घुमा अपने हिसाब से, अपने हिसाब से हैंडल करना उसे, कहाँ पे है तेरी आंखों के पास? हाँ देख मुंडे घुमाते रहो, दिख रहा मंदिर? लोग दिख रहे हैं तेरे अगल बगल, देख कितने सारे लोग हैं।
वो देखना बर्फ के पहाड़ देख ऊपर का थोड़ा। हाँ वो तो देख। वो कैसे देख रहा है, वो सोच रहे वहां पे। चल घुमा मुंडी, घुमा ऊपर देख नीचे देख। एक बार मुझे सुनाना। बहुत सही लग रहा है। आँख अपने हिसाब से आँख एडजस्ट कर। घुमा मुंडी, घुमा करो। बच्चे हेलो अंकल जी फोटो खींच रहे हो। घुमा तेरे मुंडी इधर सब दिखेगा। ऐसा सब तू वही मंदिर में खड़ा है ऊपर नीचे। मेरी फोटो खींच रहे हैं। मेरी फोटो खींच रहे हैं। ऐसे लग रहा है मैं ऊपर जा रहा हूँ। ओ भाई साहब पहाड़ देख बर्फ के कितने बड़े। ओ कहाँ है बर्फ के पहाड़? इधर है, इधर है। यहाँ पे तो बहुत सारे हैं। इधर क्यों आ रहे हो? इधर क्यों? चल इस अस्त्र को भी दिखा दो। ये भाई से दिखा दो उसे भी। यहाँ पे पंडित जी ऐसे खड़े, ऐसे पकड़ के ऐसे खड़े हो रखे। एडजस्ट कर अपनी तरफ से। दिख रहा था को? दिख रहा, साफ दिख रहा। ऊपर कर देख कितना वैसे दिख रहा है। आंटी को हाथ में देना ठीक है, एक जारी के लिए। मैं को ऐसे लग रहा है कि आंटी भूतिया फिल्म में देखना। भूतिया फिल्म चिकन में मम्मी बुला। हवा गायब हो जाएगी। वो तो हिल भी नहीं रहा, डर रहा है। वो हिल भी नहीं रहा, डर रहा है। हिल चल मुंडी घुमा, मुंडी घुमा तरफ, मुंडी घुमा बस इधर उधर ऊपर नीचे जो देखना है। क्या दिख रहा है तुझे? पहाड़। पहाड़ दिख रहे हैं? ये तो डर रहा है। मैं गिरने वाला हूँ बस। गिर मत जाना। इधर ये रोलर कोस्टर में बैठ गया ना, इसकी हवा टाइट हो जाएगी। कुणाल कहाँ पहुँच गया? केदारनाथ। कैसा लग रहा है? मजा। इसको देखना नीचे धरती पे भी कर रही है पैरों पे। अगल बगल लोगों को देख, चारों तरफ देख, ऊपर देख आसमान। पैर के नीचे आ रहे हैं। चारों तरफ देख अपने दाएं बाएं सब जगह। ये पैरों पे कैसे देख रही है? बाबा तो गाइस हम लोग छत में वॉक कर रहे हैं और अभी बजने वाले हैं रात के 8। और मैंने अभी पास खाली पानी आनी पिया और मीठा खाया थोड़ा सा बस फास्ट। उससे अभी वो कराए, अभी फास्ट पूरे तरीके से अभी कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि अभी मैंने खाना नहीं खा रखा है। तो अभी जाती हूँ नीचे बनाती हूँ, बस खाली बस पूरी पूरी बनानी रहेगी, बाकी तो मैंने सब बना लिया है। तो जाती हूँ खाना खाना खाती हूँ। तो गाइस ये रही मेरे आज के उपवास की थाली, ठीक है, जो कि रेडी हो चुकी है। तो यहाँ पर अभी दो ही रखे, दो यहाँ रख रखे, और दो पूरी खाई जाएंगी तो जाके वो खाऊंगी। तो फिलहाल चलती हूँ अंदर बैठ के। अभी अमित लोग नहीं खा रहे क्योंकि वो खाते लेट, अभी टाइम इतना हुआ नहीं है। तो 9 बजे तक बनाऊंगी उनके लिए, तब तक मैं खा लेती हूँ। सो फ्रेंड्स रात के 9:30 बज चुके हैं, अमित लोगों ने भी खाना खाने खा लिया है, मैंने तो पहले ही खा लिया था। सो फिलहाल अभी थोड़ी देर वॉक करते हैं बाहर क्योंकि खाना ना खा रखा है, तो अभी बिल्कुल सोने की हिम्मत नहीं हो रही है। एक तो अंदर गर्म भी हो रखा है, तो थोड़ी देर बाहर वॉक करते हैं और अब सो जाते हैं, ठीक है। देखो इतनी गर्मी हो रही है, हम लोग को देखना जरा कम्बल ओढ़ के सो रहे हैं। बोलो आई होप आपको मेरा ब्लॉग पसंद है। ब्लॉग पसंद है लाइक एंड सब्सक्राइब एंड नीचे बेल बटन को क्लिक करना। तब तक के लिए बाय। सो आज के लिए मैं सुबह मिलता हूं। ठीक है चलो।